अच्छा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो फॉर सम इनकन्वीनियंस एक्चुअली कुछ इंटरनेट का इशू था। चले एनीवेज, सो मैं आपको बता रहा था कि हम दो आवाज नहीं आ रही अभी। जी अभी ठीक है, अभी आवाज ठीक है बेटा? अभी आवाज ठीक है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर ठीक है, आवाज अब आ गई है। ठीक है जी। सो भाई आज के दो टॉपिक हैं। पहला जो है वो कंसेप्ट ऑफ वेरियंस है और दूसरा एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेरियंस है यूजिंग एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर। ठीक है जी। जो हमने एनोवा का यूज करते हुए मीन स्क्वायर निकाले थे, तो उन मीन स्क्वायर्स के यूज करते हुए हम कंपोनेंट्स ऑफ वेरियंस निकालेंगे। ये भी टॉपिक जो है वो हम कर चुके हैं, जो हमने जब हेरिटेबिलिटी वाला टॉपिक किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वेरियंस जो है वो हम कैसे निकालते हैं, जीनोटिपिक वेरियंस कैसे निकालते हैं, फिनोटिपिक कैसे निकालते हैं और इन्वायरमेंटल कैसे निकालते हैं। सो आज एक्चुअली जस्ट वही टॉपिक जो हमने पहले किए थे उनके रिविजन है, राइट? सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियंस। वेरियंस क्या है? वेरियंस जो एक वर्ड है वो वेरिएशन से निकला है। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल। अगर हमारे पास तीन इंडिविजुअल हैं तो वो आपस में कैसे डिफरेंट है, क्या उनका कलर डिफरेंट है, क्या उनकी हाइट डिफरेंट है, क्या उनके बालों का जो है ना वो हेयर कलर डिफरेंट है, व्हाई दे आर डिफरेंट। जस्ट लाइक दैट, अगर हमारे पास तीन प्लांट्स हैं, व्हाई दीज प्लांट्स आर डिफरेंट, इज देयर अपेरेंट कलर डिफरेंस अमंग देम, इज देयर सम काइंड ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट्स डिफरेंट, इज देयर सम काइंड ऑफ नंबर ऑफ लीव्स डिफरेंस, और इज देयर एनी यील्ड डिफरेंस, इज देयर एनी सीड साइज डिफरेंस, इज देयर एनी ग्रेन साइज डिफरेंस, वट एवर। सो कुछ भी पॉसिबल है। सो डेट इज कॉल्ड वेरिएशन। अब इसी वेरिएशन को जब हमने उसको एस्टिमेट करना होता है, उसकी कोई वैल्यू निकालनी होती है, उसको कोई हमने उसको हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज में लेके आना होता है, तो उसके लिए हम उस जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वेरियंस। वेरियंस जैसे मैंने आपको पहले बताया इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म। सो वेरियंस का मतलब क्या है? सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 प्लांट का डाटा है और उन प्लांट्स का आपने एक मीन निकाल लिया, तो मीन से ये जो आपके इंडिविजुअल प्लांट का डाटा है मीन से कितना अवे है या कितना डेविएट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली वेरियंस। यही हम इसका फार्मूला यूज करते हैं, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, राइट? कई जगह पे डिवाइडेड बाय एन भी करते हैं, ठीक है? सो दैट इज द वेरियंस। ओके जी। अच्छा अब थोड़ा सा हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेरियंस की तरफ। सो वेरियंस जो है जो हम वेरिएशंस, चूंकि हमने वेरिएशन से ही वेरिएंस निकाला है, तो जो वेरिएशंस हैं उसकी आपको पता है दो टाइप्स है, एक फिनोटिपिक और एक जीनोटिपिक, और तीसरी इन्वायरमेंटल है। फिनोटिपिक वेरिएशन क्या होती है? फिनोटिपिक वेरिएशन एक्चुअली जो है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 प्लांट्स हैं तो उनमें फिजिकल अपीयरेंस की बेस पर क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फिनोटिपिक वेरिएंस, फिनोटिपिक वेरिएशन। ऐसा ही जीनोटिपिक वेरिएशन क्या है कि अगर दो प्लांट्स के अंदर जीनोटिपिक लेवल के ऊपर क्या डिफरेंस है, प्लांट वन के अंदर कौन से जीन्स हैं और कौन से एलील्स हैं, ऐसे ही प्लांट टू के अंदर कौन से जीन हैं और कौन से एलील हैं, अगर तो उनमें कुछ डिफरेंस है, सो दैट इज कॉल्ड जीनोटिपिक वेरिएंस। अब इन्वायरमेंटल वेरिएंस थर्ड वाला जो है वो क्या है कि अगर इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आ गई, ये बेटा माइक बंद करें, किसका माइक है? थैंक यू वेरी मच। थर्ड जो है दैट इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन। सो इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो इन्वायरमेंट की वजह से काज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट को हमने एक फील्ड में लगाया, दूसरे को दूसरे फील्ड में लगाया, तो फील्ड नंबर वन के अंदर डिफरेंट मॉइस्चर लेवल था, डिफरेंट फर्टिलाइजर लेवल था, ऐसे ही दूसरे के अंदर मॉइस्चर लेवल भी कम था, फर्टिलाइजर लेवल भी कम था, तो इन दोनों में से अच्छी प्रोडक्शन किस प्लांट की आएगी जो कि इन्वायरमेंट वन में लगा हुआ है। सो ये जो इन दो प्लांट्स में जो कि जीनोटिपिकली सेम है, उनमें जो इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल वेरियंस। यही जो तीन टर्म्स हैं
इन्हीं की कोरिस्पोंडिंग जो इनकी जो हम वैल्यू एस्टिमेट करते हैं वो है वेरियंस। फॉर एग्जाम्पल फिनोटिपिक वेरियंस को हम पी के साथ लिखते हैं, पी इज ऑलवेज इक्वल टू जी जो कि जीनोटिपिक वेरियंस है, प्लस हम लिखेंगे इन्वायरमेंट जिसको हम ई से लिखते हैं। सो फिनोटिपिक वेरियंस जो है वो इक्वल होता है जीनोटिपिक और इन्वायरमेंट में। दैट मीन्स के वेरियंस के कंपोनेंट जो हैं वो एक्चुअली दो हैं, एक है जीनोटिपिक और दूसरा इन्वायरमेंटल। जब इन दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं तो जो मेन वेरियंस निकलता है वो होगा फिनोटिपिक वेरियंस, राइट। सो हमारा इसके बाद जितनी भी हम वैल्यूज एस्टिमेट करेंगे उसके अंदर यही तीनों वेरियंस होंगे, यहाँ तो होगा फिनोटिपिक वेरियंस, यहाँ होगा जीनोटिपिक वेरियंस, यहाँ होगा इन्वायरमेंटल वेरियंस। ठीक है जी, टी वाई पी आई सी और ऐसे ही पी आई सी, फिनोटिपिक जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल। सो ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं वेरियंस के, राइट। अब इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है एक्सपेक्टेड मीन स्क्वेयर्स को यूज करते हुए, वो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि एक्सपेक्टेड मीन स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं वराइटीज का, ये आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वेयर को जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, मीन स्क्वेयर निकलता है। और एरर जो है उसका मीन स्क्वेयर कैसे निकलेगा कि एरर की सम ऑफ स्क्वेयर जो है उसको एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर देंगे तो वो निकलेगा एक्सपेक्टेड मीन स्क्वेयर। अब ये जो एक्सपेक्टेड मीन स्क्वेयर की जो वैल्यू निकलती है ये इक्वल किसके है, जो वैरायटी की एक्सपेक्टेड मीन स्क्वेयर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एनवायरमेंटल वेरियंस प्लस रेप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय जीनोटिपिक वेरियंस। यानी कि ये जो एक्सपेक्टेड मीन स्क्वेयर की जो वैल्यू निकालते थे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आई थी 215, ठीक है जी, ये वैल्यू आई थी 6 फॉर एग्जांपल। तो ये वैल्यू है ये एक्चुअली किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू एनवायरमेंटल वेरियंस प्लस आर मल्टीप्लाई बाय जीनोटिपिक वेरियंस। अब यहाँ पे आर क्या चीज है, आर इज नंबर ऑफ रिपीट्स है या रेप्लिकेशन है जो हमने यूज किया था एनोवा को यूज करते हुए। तो ये एक्चुअली रेप्लिकेशन है, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, ऐसे ही जो एरर का जो एक्सपेक्टेड मीन्स क्या है दैट इज इक्वल टू एनवायरमेंटल वेरियंस, राइट, ठीक हो गया। सो अब अगर यहाँ से हमारे पास फार्मूला है ईएमएस या सॉरी एमएसवी, वैरायटी का एमएस इक्वल है इसके, फॉर एग्जांपल एमएसवी जो है दैट इज इक्वल टू दिस, तो अगर ये इसके इक्वल है तो अगर हमने निकालना है जीनोटिपिक वेरिएंस तो कैसे निकालेंगे भाई, किसी को पता है, एमएस एमएस जब इसके इक्वल है और हमने निकालना है ये तो कैसे निकालेंगे, सर एरर का मीन स्क्वेयर नेगेटिव करके सब, वेरी गुड। सबसे पहले जो एरर का वेरिएंस है ये ब्रैकेट की दूसरी साइड पे चला जाएगा, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इससे क्या बचा, आर मल्टीप्लाई बाय जीनोटिपिक। अब क्योंकि यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो गया तो आर को यहाँ से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी साइड पे डिवाइड कर डिवाइड, राइट। सो यही फार्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चूंकि हमें पता है कि जो एरर का जो एनवायरमेंट का वेरियंस है दैट इज इक्वल टू एमएसई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एमएसवी माइनस एमएसई डिवाइडेड बाय आर। तो ये क्या हो गया, जीनोटिपिक वेरियंस का इक्वल हो गया। अब एनवायरमेंटल वेरियंस जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि दैट इज इक्वल टू एमएसई, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट एमएसई का इक्वल है। अब जो फिनोटिपिक वेरियंस है वो किसके इक्वल है, वो इन दोनों का मजमुआ है, इन दोनों का सम है। सो ये जीनोटिपिक वेरियंस प्लस एनवायरमेंटल वेरियंस को जब हम जमा कर देंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, फिनोटिपिक वेरियंस निकल आएगा। सो ये एक्सपेक्टेड मीन्स के जो हम निकालते हैं यूजिंग एनोवा, उन एक्सपेक्टेड मीन्स के उसको यूज करते हुए अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ वेरियंस निकालने चाहें तो उनके फार्मूलाज ये हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो इनमें से कोई आपने बात या कोई पॉइंट पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्चुअली आज का जो हमारा
टॉपिक है वो हमने जो पीछे जो हमने टॉपिक्स किए थे ऑलरेडी वो हमने सेपरेटली ये पॉइंट डिस्कस किए थे, इनको हमने इकट्ठे डिस्कस नहीं किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस प्लस कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंस को, तो आज हमने वही डिस्कस किया है। टेक्निकली हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा आज, राइट? सो यहाँ तक कोई आप लोग का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।